नमस्ते, मेरा नाम उज्ज्वल कुमार ठाकुर है। आप देख रहे हैं गार्डन में दोस्त। आज आपको बताएंगे पपीता का प्लांट लगाने का विधि, जिसे पपाया भी कहा जाता है। पपीता एक फल का प्लांट होता है। आप इसे सीमेंट का बोरी या चावल का 25 kg वाला जो बोरी आता है उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका पपीता का प्लांट चल सकता है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको गमला में 15 इंच का गमला में लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही पेड़ एक बर्तन में लगाएं, दूसरा पेड़ अलग लगाएं, जिससे इसका प्लांट चलने में अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा इसमें मेल फीमेल दो तरह के प्लांट रहते हैं, इसलिए आप 3-4 प्लांट जरूर लगाएं, जिससे आपको मेल फीमेल, अगर एक भी मेल हो गया तो और सब अच्छा हो जाएगा। एक दो वेराइटी है जिसमें मेल फीमेल सेम ही में आता है, वैसा वेराइटी का नाम ऐसे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सर्च करिएगा गूगल पे तो मिल जाएगा। पपीता में बहुत सा वेराइटी आता है, इसमें भी ये हाइब्रिड किस्म का पपीता है मेरे पास। इसका तो छोटा सा ही प्लांट अब फ्लावर देने के स्टार्ट कर देगा, थोड़ा मोटा होगा तो ये आपको 3 महीने के अंदर में फ्लावर देना स्टार्ट कर देगा। आप इसके प्लांट आप किसी भी नर्सरी से 10 या 20 रुपए के हिसाब से ला सकते हैं, या आप किसी भी अच्छे रिपोर्टेड बीज सेंटर से आप इसका बीज भी ला सकते हैं। 100 या 50 रुपए का एक पैकेट ले आइएगा, उसी में तो आपका बहुत सा प्लांट बन जाएगा। एक बार आप प्लांट इसका लगा दीजिए, इसके बाद आपको इसका प्लांट बहुत सा बन जाएगा। आप इसका सीड एक बार ले आएंगे तो एक आपको सीड में वही एक पैकेट में आपको 70 या 80 रुपये में देगा, जो उसमें आपको 12 या 13 सीड रहता है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके वैरायटी के हिसाब से होता है कुछ पपीता का प्लांट, लेकिन आपको इसमें मेल फीमेल पहचानने में बच्चा में पता नहीं चलेगा, इसलिए आप 5-6 प्लांट जरूर लगाएं। इसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट का ज़्यादा प्रयोग करें और मिट्टी का प्रयोग करें। अगर आपके बगल में टावर होगा तो इसका प्लांट लगने का कम ही चांस रहता है, क्योंकि टावर के रेडिएशन से इसका प्लांट जल्द से जल्द खराब हो जाता है। इसका खेती करने में भी दिक्कत आएगी, पर टावर होगा तो जितना अच्छा पपीता का प्लांट होगा वो उतना ही ज़्यादा, जितना छोटा होगा उतना ही से फलने लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा छोटा भी प्लांट फलने लगता है। अब देखिए ये प्लांट आपको 20 या 25 दिन में फ्लावर देने का स्टार्ट कर देगा। इसका प्लांट आप 15 इंच वाले गमला में अधिकतर में लगाएं, जिससे इसका प्लांट अच्छा से चले। उसमें 50-60% गार्डनर सॉइल और 40% आपको वर्मिंग कंपोस्ट मिला देना होगा, और इसे धूप में रख देना होगा। इसका प्लांट ला के लगा के, और यह ऐसा अगर पांच प्लांट लगा दिए तो जाके अगर एक भी मेल हुआ तो उतना सारा फलेगा, नहीं तो नहीं भी फलता है इसका, यह भी नियम है। इसलिए आप देख लें जो कैसा हो, कैसे इसका फले, वो नर्सरी वाले से पूछ लीजिएगा वो कैसा बीज है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर पेज पे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।